नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, शेखर ट्रिकी म्यूजिक में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कैसियो CTX 870 IN कीबोर्ड के बारे में। दोस्तों, यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं या बिगिनर्स हैं, कैसियो CTX 870 IN कीबोर्ड यूजर्स हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रिदम एंड सॉन्ग कंट्रोलर का यूज कैसे किया जाता है इस कीबोर्ड में। इसके सारे बटन्स के ऑप्शंस मैं आपको अभी डिटेल में आगे बताने वाला हूँ। तो कृपया दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे साथ बने रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने कीबोर्ड के डिस्प्ले पर। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको बिना किसी देरी के बताता हूँ इसका यूज और फंक्शन का यूज कैसे किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे वॉल्यूम बटन, जिससे आप वॉल्यूम को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके ऊपर आपको दिखता है यहाँ पे पावर बटन, जिसके थ्रू आप कीबोर्ड को ऑन और ऑफ कर सकते हैं होल्ड करके। इसको दबाने के लिए आप थोड़ा होल्ड करेंगे, कीबोर्ड ऑफ हो जाएगा। थोड़ा सा होल्ड करके प्रेस करेंगे तो कीबोर्ड ऑन हो जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पे नीचे आपको मिलता है ये वॉल्यूम बटन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अब दोस्तों, इसके आगे आपको मिलता है रिदम एंड सॉन्ग कंट्रोलर, यानी कि जो हमारे रिदम्स जो बीट्स प्ले होती हैं। दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से कंट्रोल करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है। अब दोस्तों, यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको एक एक बटन्स के फंक्शंस, एक एक बटन के फीचर्स में आपको डिटेल्स में क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो में आगे। और दोस्तों, यदि आपको वॉइस में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है या कुछ क्लियरेंस नहीं आ रही है, तो उसके लिए थोड़ा दोस्तों एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो वॉल्यूम है वो मैं फुल कर देता हूँ। चलिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे डिटेल्स में बताता हूँ कि वॉल्यूम कंट्रोलर का यूज़, सॉन्ग कंट्रोलर का यूज़ कैसे करते हैं रिदम का। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखेगा स्टार्ट बटन, जैसा कि आपने इसे यूज करके देखा होगा। तो मैं आपको एक एक बटन्स के बारे में डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टार्ट बटन से। दोस्तों, यहाँ पे आपको पता होगा जैसे हम इसे प्ले करेंगे और जैसे इसे हम स्टॉप करेंगे, यहाँ पे ये बंद हो जाएगा। यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे तो हमारा रिदम प्ले हो जाएगा, और दोबारा दबाएंगे तो ये हमारा रिदम ऑफ हो जाएगा। तो ये है हमारा स्टार्ट और स्टॉप, जिसे इसके ऊपर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, जिसको सैंक्रो स्टॉप और एकॉम्प। ये ऑप्शंस मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ, बाकी मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करके बता देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपको इंट्रो, यानी कि किसी भी गाने का जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो सबसे पहले एक इंट्रो म्यूजिक होता है। तो दोस्तों, इंट्रो म्यूजिक को कैसे बजाते हैं, अब देखिए, इंट्रो आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आपका इंट्रो प्ले हो जाएगा। दोस्तों, इंट्रो कुछ सेकंड्स का होता है, यानी कि आप जैसे ही इंट्रो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा इंट्रो, आई से डिफाइन किया गया है। यहाँ पे ब्लिंक करता है, कुछ सेकंड के बाद वो इंट्रो से डायरेक्ट नॉर्मल में जंप कर जाता है। तो इंट्रो एक बार फिर से देखेंगे, एक तोड़ लगा के वो नेक्स्ट उस पर कन्वर्ट हो जाता है नॉर्मल पे। फिर नॉर्मल, हमारा इंट्रो आपको क्लियर हो गया होगा। अब नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल को आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट, तो दोस्तों नॉर्मल आपका कंटिन्यू लूप में प्ले होता रहेगा। अब क्या है, नॉर्मल में अगर आपको तोड़ लगाना है इसी में, तो आप क्या करेंगे, चलिए मैं आप प्ले कर देता हूँ। इसे दोबारा दबाएंगे आप इसे, तो दोस्तों ये नॉर्मल में हमारा क्या है, तोड़ लग जाता है, जिसे हम फिल इन बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल और यहाँ पे फिल इन। जैसे आप इसे प्ले करेंगे नॉर्मल, तो यहाँ पे लिख के आएगा एन, और जब इसे आप इसमें तोड़ लगाएंगे तो यहाँ पे एफ लिख आएगा फिलर। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा इंट्रो और ये हो गया हमारा नॉर्मल। अब दोस्तों, इसके आगे आते हैं वेरी हाई, उसमें यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे आपने सुना होगा दुगुन बजता है, यानी कि ये सिंगल था, अब ये इसका डबल स्पीड। तो डबल स्पीड के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे
क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वी का सिंबल डिफाइन करेगा, और इसी बटन को हम दोबारा प्रेस करेंगे तो इसमें क्या लगेगा, तोड़। और दोस्तों वेरी हाई स्पीड से उसके बाद हम डायरेक्ट नॉर्मल प्रेस करेंगे तो हम नॉर्मल पे भी जा सकते हैं, यानी कि आप इस वाले बटन को दो बार दबाएंगे तो उसमें तोड़ लगेगा और इस वाले बटन को दो बार दबाएंगे तो उसमें वेरी हाई में भी तोड़ लगेगा। तो दोस्तों इंट्रो, नॉर्मल और ये वेरी हाई वाला मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब दोस्तों हमारा पार्ट आता है एंडिंग का, यानी कि सबसे पहले इंट्रो प्ले होता है, उसके बाद नॉर्मल रिदम चलती है, उसके बाद उसमें स्पीड बढ़ती है जब हमारी एंडिंग पोजीशन में आ जाती है सॉन्ग का। अब उसके बाद हमारा आता है लास्ट का एंडिंग जो हमारा फिनिश की तरफ जाता है। अब एंडिंग कैसे होता है चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, नॉर्मल से प्ले करता हूँ। चलिए मैं इंट्रो से एंडिंग तक आपको कंटिन्यू बता देता हूँ कि कैसे यूज किया जाता है। नॉर्मल पे कन्वर्ट हो गए हम, नॉर्मल चल रहा है। दोस्तों ये हमारा पूरा एक सेटअप तैयार हो गया है जिसको मैंने अभी आपको प्रेजेंट किया है, इंट्रो से लेकर नॉर्मल, नॉर्मल से लेकर वेरी स्पीड और स्पीड से उसके बाद एंडिंग। तो ये हमारे चार स्टेप्स हो गए जो एक रिदम प्ले करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब दोस्तों हमारा ऑप्शन स्टार्ट होता है सेंक्रो स्टॉप एंड एकॉम्प ऑप्शंस के बारे में। और दोस्तों स्टार्ट और स्टॉप के बारे में आपको पता ही है कि हम यहाँ से प्रेस करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से फिर दोबारा प्रेस करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, सेंक्रो स्टॉप, सेंक्रो स्टॉप और एकॉम्प ये दोनों एक दूसरे से लिंक हैं, इनका यूज कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यूज करूँगा एकॉम्प ऑप्शन का। मैंने एकॉम्प प्रेस किया तो यहाँ पर एकॉम्प लिख के आ गया डिस्प्ले में। तो दोस्तों अभी डिस्प्ले थोड़ी ब्लर हो रही होगी बट यहाँ पे आपको अपने कीबोर्ड में दिखेगा अकाउंट, यानी कि हमने यहाँ पे अकाउंट प्रेस किया है और यहाँ पे अकाउंट ऑप्शन दिख रहा है। अब देखिए दोस्तों अकाउंट जब आप यूज करेंगे तो आपको जो कॉर्ड है लेफ्ट हैंड के लिए जो हमारे कॉर्ड्स होते हैं उसकी साउंड सुनने में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों ये मोस्टली कॉर्ड्स के लिए ज्यादा यूज किया जाता है अकॉम्प। अब दोस्तों कॉम्प्स का यूज कैसे किया जाता है, अब दोस्तों अगर हम कॉम्प्स के साथ किसी रिदम को प्ले करते हैं दोस्तों अभी आपने देखा अकॉम्प्स का यूज करने के बाद हमारे कीबोर्ड में कुछ अलग क्वालिटी की साउंड्स आते हैं। अब देखिए दोस्तों तो दोस्तों आपको उम्मीद है अकॉम्प समझ में आ गया होगा कि हम जिस सॉन्ग को प्ले कर रहे हैं, जिस टोन को, उसके साथ उसके कॉर्ड्स, जिस कॉर्ड्स को हम एक बार प्ले कर देंगे वो कॉर्ड्स कंटिन्यू प्ले होता रहता है रिदम के साथ। देखिए दोस्तों आपने देखा अकॉम्प्स का यूज हम कॉर्ड्स के लिए यूज करते हैं और ये आप किसी भी कॉर्ड्स को यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिख के आएगा कौन सा कॉर्ड्स आपका प्ले हो रहा है यहाँ पे कोने पे। देखिए
अब दोस्तों एकॉम्स के साथ हम देखने वाले हैं सैंक्रो ऑप्शंस का यूज। लास्ट ऑप्शन है सैंक्रो स्टॉप। चलिए मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ दोस्तों। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका अगर अकाउंट ऑफ है तो आप अपने अकाउंट्स को क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके डिस्प्ले पे लिखेगा अकाउंट, यानी कि आपका अकाउंट एक्टिव हो गया है। अकाउंट्स प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं आपका कौन सा कॉर्ड प्ले हुआ, एफ शार्प, मेजर, माइनर, जो भी आपका प्ले होगा कॉर्ड्स वो आप पे आपको डिस्प्ले होगा। अब दोस्तों इसके बाद आप प्रेस करेंगे अपना रिदम। दोस्तों इसी के साथ हम देखेंगे सैंक्रो स्टॉप, यानी कि आप जैसे सैंक्रो का ऑप्शन प्रेस करेंगे बटन, यहाँ पे आपको एक पंच दिखाई देगा हाथ का सिंबल, जिससे आपको पता लगेगा कि सैंक्रो स्टॉप है या ऑन। जैसे हम अभी अकाउंट को प्रेस कर रहे हैं तो ये हमारा कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन जैसे हम सैंक्रो को ओपन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक हाथ का सिंबल आ गया लेफ्ट हैंड का। अब देखिए हम रिदम को प्ले करते हैं, आपने देखा होगा कि जैसे ही हमने यहाँ पे सैंक्रो स्टॉप का ऑप्शन यूज किया है तो क्या होता है, जैसे हम बटन को प्रेस करेंगे ऑटोमेटिक हमारी रिदम और हमारे कॉर्ड्स प्ले होने लगेंगे, और जैसे हम इसे छोड़ेंगे हमारा ये सब ऑफ हो जाएगा। इसी होता है हमारा सैंक्रो स्टॉप। इसलिए अगर हम इसको अगर बंद करना चाहते हैं तो हम इसे दोबारा प्रेस करेंगे तो हमारा कंटिन्यू प्ले होता रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इंट्रो, नॉर्मल, फिलर, वेरी हाई, एंडिंग, सैंक्रो स्टॉप, स्टार्ट और अकाउंट ऑप्शंस के बारे में क्लियरेंस हो गया होगा और ये आप अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा आपको। तो दोस्तों अब क्या है, आपको इसको यूज कैसे करना है ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने आपको सारे ऑप्शंस के बारे में डिटेल में बता दिया है कि अकाउंट्स का यूज़ क्या होता है, और दोस्तों ये काफ़ी हेल्पफुल ऑप्शन है आपके लिए। और अभी आगे वीडियो में हम आपको एक एक बटन्स के बारे में, एक एक कीज के बारे में डिटेल में बताने वाले हैं, तो कृपया हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों यदि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो कृपया इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।